दोस्तों NKY फार्मर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। किसान भाइयों, कपास में लगने वाले रोग के बारे में बात करेंगे। जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं, वो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी किसान भाई इसका लाभ उठा पाए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, कृपया करके वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य देखें। किसान भाइयों, सफ़ेद मक्खी, हरा तेला, माइट्स, पीले आदि रोग फसल में लग जाते हैं। तीनों रोगों की एक ही दवा है। बार बार किसान भाइयों को अलग अलग दवा का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। इन तीनों रोगों को, सफ़ेद मक्खी, हरा तेला, माइट्स को एक ही दवा से ख़त्म किया जा सकता है। आइए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बारिश का मौसम चल रहा है और कपास की फसल में मुख्य तौर पर तीन रोग बारिश के समय ज़्यादा लगते हैं, जैसे सफ़ेद मक्खी, हरा तेला, माइट्स, पीले आदि रोग फसल में लग जाते हैं। इन तीनों कीट रोगों की एक दवाई की स्प्रे करने से ये तीनों रोग बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं सजेंटा कंपनी की पोलोजैप के बारे में। यह दवाई इन तीनों रोग में बहुत ही कारगर है। पोलोजैप अब जीप जैप जूम तकनीकी के साथ आती है। पोलोजैप में पावर बूस्टर होने की वजह से अपने लक्ष्य कीट जैसे सफ़ेद मक्खियां, हरा तेला, माइट्स के खिलाफ तेज़ी से काम करता है। पोलोजैप तीन तरीकों से काम करता है, संपर्क, ट्रांसल मिनार और वाष्प, और यह एक अलग केमिकल समूह का होने की वजह से इसमें कोई क्रॉस रेजिस्टेंस नहीं होता है। हम आपको जीप जैप जूम के बारे में विस्तार से बताते हैं। नंबर एक, जीप पोलो जैप निम्प और सफ़ेद मक्खियां दोनों को मारकर आर्थिक नुकसान भोजन को रोकने में मदद करता है। संपर्क कार्य, ट्रांसल मीनार और वाष्प कार्य पद्धति की वजह से पोलोजैप कीट के महत्वपूर्ण चरणों के खिलाफ प्रभावी है। नंबर दो, जैप जल्द असर करता है। पोलोजैप अपने अनोखे सक्रियता के साथ यह सुनिश्चित करता है पौधा केमिकल को जल्दी से सोख लेता है और इस तरह यह तेज़ी से असर करता है। नंबर तीन, जूम जूम बड़ा और भारी टिंडे प्रदान करता है। सूर्य प्रकाश कीट के अंदर पचन होने पर पोलोजैप यूरिया डेरिवेटिव में टूट जाता है। यूरिया फसल को बढ़ाने में मदद करता है जिसके कारण टिंडों का वजन और उपज बढ़ाता है। किसान भाइयों, पोलोजैप के अंदर कौन से केमिकल होते हैं? डाइफेनथुरान 50% WP जो एक बहुपयोगी कीटनाशक है, यह कीट को लकवाग्रस्त कर देता है। नंबर दो, भिगोने वाले तत्व इथोक्सिलेटेड फंटी अल्कोहल 12.0% WW होता है। छितराने वाले तत्व कंडेंसर्ड अल्किन 15.0% WW होता है। किसान भाई, इस कीटनाशक का प्रयोग बारिश होने के बाद या फसल में सिंचाई करने के बाद इसका स्प्रे करना चाहिए। शुष्क और तनाव के कारण फाइटों की स्थिति पैदा हो सकती है। इसकी सही मात्रा का प्रयोग 250 ग्राम पोलोजैप को 200 लीटर पानी में मिलाकर एक एकड़ में छिड़काव करना चाहिए।